हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 और चैप्टर है रेशनल नंबर्स। तो इसके क्वेश्चन 1 से 5 तक हम सोल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 1 में हमने प्रूव किया था क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, क्वेश्चन 2 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और क्वेश्चन 3 में एडिटिव इनवर्स, और क्वेश्चन 4 और 5 में एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी से एडिशन किया था। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आप पेज नंबर ओपन करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई। क्वेश्चन 6 वेरीफाई माइनस और ब्रैकेट में माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट देखिए x इज इक्वल टू 1/3। तो देखिए, अगर हम इसका नेगेटिव लिखते हैं तो ये होगा x का नेगेटिव, यानी माइनस x किसके इक्वल होगा, ये दोनों में आप नेगेटिव लगा देंगे, और माइनस माइनस x यानी माइनस माइनस 1/3, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करता है तो क्या हो जाता है, प्लस, यानी ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस किसी रेशनल नंबर के नेगेटिव का इनवर्स जो होता है वो उस रेशनल नंबर के ही इक्वल होता है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, एक्स इज इक्वल टू 13/-15। तो देखिए, माइनस एक्स जो होगा तो ये हो जाएगा माइनस 13/-15, दोनों में माइनस एडजस्ट कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल। अब माइनस माइनस एक्स जो होगा वो होगा 13/15। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, माइनस एक्स की। तो माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 13/15, यानी वापस वही रेशनल नंबर आ जाता है। ओके, चलिए आप सेकंड भी देख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू है माइनस 7/9। तो माइनस एक्स की वैल्यू होगी कितना, इसका नेगेटिव क्या होगा, 7/9, और माइनस माइनस एक्स जो होगा वो होगा माइनस 7/9, और माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7/9। तो ये इसी के इक्वल वापस फिर से आ जाएगा। अगर दो बार किसी रेशनल नंबर के पहले नेगेटिव आ जाएगा तो वापस वही रेशनल नंबर वो बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में नेगेटिव वो बताए गए हैं, एडिटिव इनवर्स यानी किसी रेशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, उसका साइन चेंज कर देते हैं। जैसे -3/5, इसका नेगेटिव इन्वर्स कितना होगा, 3/5, और ये इसका नेगेटिव इन्वर्स होगा। अगर माइनस है 7/8, तो इसका नेगेटिव इन्वर्स कितना होगा, 7/8, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर वही होता है, लेकिन पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। और -3/5 का नेगेटिव 3/5 है, और 3/5 का नेगेटिव -3/5 है। तो फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव। देखिए, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है -4/11, और इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा माइनस माइनस 4/11, यानी
क्या हो जाएगा, या डायरेक्ट 4/11 लिख सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसका नेगेटिव होगा 4/11 और इसका इन्वर्स जो होगा नेगेटिव, इसका जो होगा एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो होगा -4/11, ठीक है। तो रेशनल नंबर दिया है -4/11, इसका नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव होता है और नेगेटिव का पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा। और इसका फिर एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो -4/11 यानी फिर वापस लौट के वही रेशनल नंबर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये था 7। अब क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3/-7 एंड द नेगेटिव ऑफ 7/3। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे रेशनल नंबर है कितने, 3/-7 और 7/3। फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इन्वर्स, देखिए एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव ऑफ 7/-7 इज इक्वल टू होगा 3/7 और नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ 7/3 इज इक्वल टू -7/3। देखिए नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स एक ही बात होती है, यानी उनका साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव से हो जाता है पॉजिटिव और पॉजिटिव का हो जाता है नेगेटिव। अब इन दोनों को ऐड करना है, 3/7 + -7/3, तो देखिए 3 3 = 9 +7 7 = -49 / क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 = 21 तो -49 + 9 तो बचेगा -40/21। तो पहले क्या लिखना है आपको, इसका एडिटिव इन्वर्स लिखना है और एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। और देखिए नेगेटिव आपका डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपका 3/-7 है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है -3/7। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, तो 3/-7 ये हो जाएगा 3/7। और किसी का नेगेटिव लिखते हैं तो उसमें भी साइन चेंज हो जाता है, जैसे 7/3 है तो इसका ये हो जाएगा -7/3 और इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो 3/7 + -7/3, 3 3 = 9, 7 7 = 49 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर का 21 तो प्लस के 9 और माइनस का 49 तो आएगा आपका -40/21। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक्स देखिए 5/7 + 0 इज इक्वल टू, देखिए 0 को आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर वही रेशनल नंबर आ जाता है। देखिए मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी अलग होती है, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब कुछ 0 हो जाता है, लेकिन 0 को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे रेशनल नंबर पे कोई फर्क नहीं होता, यानी ये 5/7 ही आ जाएगा। ओके,
सेकेंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो, एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। देखिए जीरो का एडिटिव इनवर्स जो होता है वो जीरो ही होता है, जीरो कभी प्लस या माइनस नहीं होता कि प्लस जीरो या माइनस जीरो। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज, देखिए इसमें आएगा आंसर रेशनल नंबर, देखिए दो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है, अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर रेशनल नंबर ही आता है, या दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर एक रेशनल नंबर ही आता है। ऐसी मल्टीप्लाई में अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक रेशनल नंबर ही आएगा, या दो रेशनल नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर एक रेशनल नंबर आएगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे 3/4/5 - 3/5, तो ये दो रेशनल नंबर हैं तो ये आ जाएगा 1/5। तो देखिए एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आंसर एक रेशनल नंबर ही आता है। तो आपका यही क्वेश्चन था, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए डैश, तो ये आएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। नंबर फोर्थ, नेगेटिव ऑफ -5/4। देखिए इसका नेगेटिव पूछा जाए किसी रेशनल नंबर का या एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो एक ही बात है, नेगेटिव ऑफ या आपसे होता कि एडिटिव इनवर्स ऑफ या नेगेटिव ऑफ, तो आप उसका केवल साइन चेंज कर देते हैं तो ये जाएगा 5/4। तो -5/4 का नेगेटिव है 5/4 और 5/4 का नेगेटिव है -5/4। नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स दोनों सेम चीज़ें हैं। नंबर फिफ्थ, द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड एडिटिव इनवर्स, ठीक है, अगर किसी रेशनल नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, जीरो। जैसे सपोज ये ही है तो आंसर होगा जीरो। तो जैसे आपका -5/4 + 5/4, देखिए ये इसका एडिटिव इनवर्स है तो ये कितना आ जाएगा, -k5 और +k5, 0/4 यानी जीरो, ठीक है। या और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे 3/4 + -3/4, तो 3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -3/4, और दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और -3 = 0/4 यानी जीरो। तो इस तरह किसी रेशनल नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो आंसर आता है जीरो। ओके, तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। तो ये वर्क आप फेयर कॉपी में कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जब भी आप नेक्स्ट टाइम जब आपसे गूगल मीट होगी तब आप अपने क्वेरी कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बतानी है। क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज, तो देखिए इसका फर्स्ट है 8/11
इंटू माइनस थ्री अपॉन फाइव इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई एट अपॉन इलेवन। देखिए एट अपॉन इलेवन को माइनस थ्री अपॉन फाइव से मल्टीप्लाई करें या माइनस थ्री अपॉन फाइव को एट अपॉन फाइव से एट अपॉन इलेवन से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। इसे कहते हैं, इसका आंसर होगा क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखिए एडिशन की भी होती है और मल्टीप्लीकेशन की भी होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन या डिवाइड की नहीं होती। जैसे 4 + 5 इज इक्वल टू 5 + 4, यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 4 में 5 को ऐड करें या 5 में 4 को ऐड करें, इसी तरह ये इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और यह 4 × 5 इज इक्वल टू 5 × 4, यह है 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 20 आएगा, या 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर 20 आएगा। तो ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो सेम यही है, तो यहाँ पे जैसे इंटीजर्स में करते हैं ऐसे ही रेशनल नंबर में भी। नंबर सेकेंड, देखिए ये है -2/7 इंटू 4/3 इंटू 2/8 इज इक्वल टू -2/7 इंटू 4/3 इंटू 2/8। देखिए अगर तीन नंबर्स हैं हमारे पास, तीन रेशनल नंबर्स हैं, तो पहले दो को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थर्ड को हम बाद में करें, या लास्ट के दो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और थर्ड को हम फर्स्ट वाले को बाद में करें, तो आंसर सेम ही आएगा। जैसे 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू 2 × 3 × 4, तो यहाँ पे हमने क्या किया इस तरह से, तो 2 × 3 = 12 और 6 × 4 तो ये 24 आएगा और ये भी 24। तो हम तीनों में से पहले दो, मतलब पहले कोई से भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, शुरू वाले दो को या बाद वाले दो को। तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और ये आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। थर्ड है थ्री अपॉन, तो यहाँ पे आपको जो पैटर्न दिया गया है उसको देख के यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखनी है। थर्ड थ्री अपॉन 4 × 1 इज इक्वल टू 1 × 3/4। देखिए 1 से किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या 1 में किसी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका आंसर होगा मल्टीप्लीकेटिव
कम्युनिकेटिव आइडेंटिटी। और नंबर फोर्थ, ये 9/11 इंटू 3/4 माइनस 2/6 इज इक्वल टू होगा 9/11 इंटू 3/4 माइनस 9/11 इंटू 2/6। देखिए ये प्रॉपर्टीज आप क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे ए इंटू बी माइनस या बी प्लस सी, तो ए बी को भी मल्टीप्लाई करेगा और सी को भी, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ये है, ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अगर ये लिखें a इंटू बी माइनस सी, तो a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। देखिए क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन आया है, अगर होता है प्लस का साइन तो लिखते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। यानी ये जो नंबर है ये 3/4 को भी मल्टीप्लाई करेगा 9/11, और 9/11 2/6 को भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो देखिए कम्यूटिव, फिर आपको बता दें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रेशनल नंबर ही आएगा। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर दो रेशनल नंबर को आगे पीछे मल्टीप्लाई करके करते हैं तो दोनों का आंसर सेम होता है, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और नेक्स्ट होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर तीन रेशनल नंबर हैं तो पहले दो कोई से भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई से भी दो को, शुरू वाले दो को या बाद वाले दो को। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर वन से मल्टीप्लाई करते हैं या वन में किसी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही रेशनल नंबर आ जाता है। और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये होती है ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन है तो ओवर सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, दैट्स क्लियर। ठीक है, तो देखिए इन प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो में भी आपको क्लियर करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए कि प्रॉपर्टी को, देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं और प्रॉपर्टी क्या होती हैं, कम्यूटेटिव क्या है, क्लोजर क्या है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो उसे हम गूगल मीट में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। ओके, थैंक यू।